praise God for this brand new month. प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर नए महीने के लिए. God has been good to us. परमेश्वर हमारे साथ भला रहा. Although 2020 has not been a kind of a year that you and I or anybody else would love and appreciate. जबकि 2020 वैसा नहीं था जैसा हम चाहते थे और हम उसको उसको बताने में खुश होते. But God has been gracious. But परमेश्वर हमारे साथ दयालु बना रहा है. And most of all, He has given us health and life until now. और परमेश्वर ने हमें हर बात के बीच में अच्छा स्वास्थ्य दिया और ये जीवन प्रदान किया. During the last 1 month or so, और पिछले महीने में और पहले भी, we've been speaking on the series called Your Money and God. और हम सब संदेशों की श्रृंखला में जो हमने पिछले कुछ हफ्तों से शुरू करी है उसका शीर्षक रहा है हमारा पैसा और परमेश्वर. Yes, God is interested in your money as well as in you. हाँ, परमेश्वर मुझ में और आप में और आपके पैसे में दिलचस्पी रखता है. God is interested also in the amount that you and I give. और परमेश्वर इसमें भी दिलचस्पी रखता है कि हम कितना देते हैं परमेश्वर के लिए. And he is also interested in the amount that we keep for ourselves after giving to him and his work. और परमेश्वर उसमें भी दिलचस्पी रखता है उस पैसे में भी जो हम अपने पास रख छोड़ते हैं परमेश्वर के परमेश्वर को देने के बाद. There are more number of times that Jesus has talked about money and finances in the New Testament than many other things. जबकि परमेश्वर के वचन में पैसे के बारे में और बहुत और दूसरी बातों से ज्यादा वर्णन किया गया. So in this series and part 5 of this series of Your Money and God. और इसलिए श्रृंखला के पांचवें भाग में आपका पैसा और परमेश्वर के रिश्ते के बारे में. Today we shall learn what is the main teachings of the New Testament about giving and finances. और आज हम विशेष तौर से देखेंगे कि परमेश्वर क्या परमेश्वर हमसे क्या बातचीत करता है धन के बारे में. And Paul talks about it in 1 Corinthians. और पौलुस प्रेरित पौलुस हमसे बातचीत करते हैं पहले कुरिन्थियों के नए नियम में देखेंगे हम. And chapter 16 of 1 Corinthians. पहला कुरिन्थियों के 16 अध्याय में. And verses 1 and 2. उसकी पहली और दूसरी आयत में यदि आप हमारे साथ निकाल लें. Now concerning the collection for the saints. और अब उस चंदे के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए किया जाता है. You should follow the directions I gave to the churches of Galatia. जैसी आज्ञा मैंने गलातिया की कलीसिया को दी. So Paul was consistently talking about giving and collections. और पौलुस प्रेरित जो है वो लगातार भेंट करने के बाद बारे में बातचीत कर. He was a church planter. वो कलीसिया को स्थापित कर. He was a great missionary. वो एक बहुत ही प्रमुख मिशनरी थे. He was an apostle of the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित थे. And yet he did not shy away from asking for money and giving directions about giving. और उसके बावजूद भी उन्हें शर्म नहीं थी कि वो लोगों से चर्चा करें धन के बारे में और भेंट करने के बारे में. As Jesus also was not ashamed. और यीशु मसीह भी इसमें शर्माते नहीं थे. So he Paul talks in 1 Corinthians chapter 16. और पौलुस प्रेरित हमसे बातचीत करते हैं पहले कुरिन्थियों 16 अध्याय में. And he is talking about a collection that is to be taken. और वो बातचीत कर रहे हैं उस भेंट के लिए जो लेने वाले हैं. He is not talking only to the people in Corinth. वो केवल कुरिन्थ की कलीसिया के बारे में बातचीत नहीं कर रहे. Rather he was also talking to other churches about the same thing. बल्कि वो दूसरी कलीसियाओं से भी इसी विषय पर बातचीत कर रहे हैं. The church in Jerusalem, the mother church, और जो मुख्य कलीसिया थी यरूशलेम में, which was mainly a Jewish church, जो कि खास तौर से यहूदी कलीसिया थी, was interestingly poor, वो काफी गरीब थी, and it survived because of the Gentiles who gave money generously to the Jews in or the Jewish Christians in Jerusalem. और वो जीवित रही वो चलती रही कलीसिया क्योंकि जो अन्य जाति लोग थे उनकी भेंट के द्वारा उसको चलाया गया. Now notice what does Paul call the people
Jerusalem. और आप ध्यान दें कि अनुस्मृत जो है वो यरूशलेम के लोगों को क्या पुकारते हैं? It is for the church in Jerusalem. और ये यरूशलेम की कलीसिया के लिए है. And they are in need. वो जरूरतमंद है. And he shows them some pictures of the poor people and call them, these are the poorest of the poor, please help them. और वो उनको कुछ गरीब लोगों की एक तस्वीर दिखाते हैं, कहते हैं कि ये गरीब हैं, इनकी मदद करो. No, my dear friends. ऐसा नहीं है. He calls them what? वो उनको क्या बोलते हैं? The saints. वो उनको पवित्र लोग कहते हैं. He maintains the dignity of God's people. वो परमेश्वर के लोगों की इज्जत बनाए रखते हैं. And connects them with the churches in Galatia. और वो उनको जो गलतियों की कलीसिया उनके साथ जोड़ते हैं. The churches in Macedonia who were actually begging Paul to receive their money. और मकेदुनिया की कलीसिया के लिए जो उससे विनती कर रहे थे कि उनकी वो भेंट को स्वीकार करें. And now to the Corinthian church. और अब कुरिन्थ की कलीसिया के लिए. He says they are not the poor. He doesn't use the word poor in Jerusalem. और अब जो है पौलुस प्रेरित उनके लिए गरीब का शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहे, लेकिन rather to the Corinthians and to everybody else. बल्कि वो कुरिन्थ की कलीसिया को और दूसरे लोगों को. He says they are the Lord's people. वो कहते हैं कि वो तो परमेश्वर के लोग हैं. They are these saints. वो पवित्र लोग हैं. We want to help them. हम उनकी मदद करना चाहते हैं. They are in need. वो जरूरतमंद हैं. They are poor. वो गरीब हैं. They have financial needs. उनके पास पैसे की जरूरत है. But their dignity is no less than ours, who have the money, who have the resources and the means to support them. पर वो उनसे कम नहीं है, उनकी इज्जत उनसे कम नहीं है, जिनके पास धन संपत्ति है और जिनके पास इतनी सामग्री है कि वो दूसरों को मदद कर सके. And then he lays down the principle. और फिर वो एक सिद्धांत को बताते हैं. In second verse. दूसरी आयत में. On the first day of every week. सप्ताह के पहले दिन हमेशा. Each of you. तुम में से हर एक. Is to put aside and save. अपनी आमदनी के अनुसार. As he or she may prosper. कुछ अपने पास रख छोड़ा करे कि मेरे. So that collections need not be taken when I come. ताकि मेरे आने पर चंदा ना करना पड़े. So he says each of you. उसमें लिखा है हर एक. Earlier he was talking about the church in Jerusalem. पहले तो वो यरूशलेम की कलीसिया से बातचीत कर रहे. He didn't say the word poor. वो गरीब इस्तेमाल का शब्द इस्तेमाल. Now he is talking about the church in Corinth. और अब जो है वो कुरिन्थ की कलीसिया से बात के लिए बात. It was a huge city. और वो बहुत ही प्रमुख शहर. In those days it was a cosmopolitan port city. और उस समय वो बहुत ही प्रमुख शहर था वहाँ का. He says, okay, appeal to all the rich people in your church and in your community, right? क्या उन्होंने ऐसा कहा कि अब तुम सारे जितने धनवान लोग हैं उनसे ज्यादा जाके विनती करो. All the wealthy people who are resourceful people approach them to get the money for the poor in Jerusalem. कि तुम सारे धनवान लोगों के पास जाओ, उनसे पैसा मांगो ताकि यरूशलेम के लोगों को पैसा मिल सके, मदद मिल सके. Right? कैसा हुआ? What does he say? वो कैसा क्या कहते हैं? The money is to be collected from. क्या कहते हैं पैसा कहाँ से इकट्ठा होना चाहिए? Each of you. तुम में से हर एक से. Everyone who is in the church in Corinth. हर एक जन जो कुरिन्थ की कलीसिया में है. Or in the church in Galatia. या फिर गलतिया की चर्च कलीसिया में. Or the church in Macedonia. या मकेदोनिया की कलीसिया में. Or the church in Edmonton. या फिर वो एडमंटन की कलीसिया. Or the church in New Delhi. या वो कोई कलीसिया हो नई दिल्ली. Or the church in Chicago or Timbuktu. और या वो टिम्बक्टू में या शिकागो के कलीसिया में. It does not matter. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. Paul lays down the principle. पौलुस जो है एक सिद्धांत रखता है. When it comes to giving. जब भेंट करने की बात आती है. When it comes to helping those who are saints. और जब बात आती है उन पवित्र लोगों के बारे में. Wherever they may be. चाहे वो कहीं भी क्यों ना हो. In the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य. Geography does not matter. भौगोलिक तरीके से इसका मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ता. And our status, financial status also does not matter. और हमारे पास कितना पैसा है, हमारा क्या दर्जा है, इसका भी कोई. Giving is not asked from only the rich and the wealthy and the powerful. और पैसा देना, भेंट करना केवल जो धनवान लोग हैं उन लोग को ही देने के लिए नहीं बोला.
Father, it is for each one of us who call upon the name of the Lord Jesus Christ as our Lord and Savior. बल्कि ये हर एक उस जन के लिए लिखा गया है जो अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के समर्पण में रखता है और उसको प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता एवरी फॉलोअर ऑफ जीसस क्राइस्ट हर एक प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले के लिए विदाउट एन एक्सेप्शन बिना किसी एक्सेप्शन के विदाउट योर फाइनेंशियल स्टेटस किसी भी आपके पैसे के दर्जे के Without how you think of yourself as either poor or rich or wealthy. Every follower of Jesus Christ should have a personal system of regular giving to the Lord, Paul lays down. और हर एक जन जो अपने आप को प्रभु यीशु मसीह का चेला बोलता है उसके पास एक व्यक्तिगत देने का लगातार देने का और नियमित रूप से देने का एक सिद्धांत होना चाहिए Then what did Jesus talk about giving? प्रभु यीशु मसीह ने हमसे क्या बात हमें क्या सिखाया देने के बारे में I have repeated several times. मैंने कई बार इसको दोहराया भी है Jesus has spoken about money and giving and charity and all these issues more than salvation, more than a sin or more than other things. और प्रभु यीशु मसीह ने धन के बारे में हर एक विषय से ज्यादा बातचीत करी है Jesus said in Matthew chapter 6 and verses 2 and 3 प्रभु यीशु मसीह ने हमसे वचन में बातचीत की है मत्ती 6 उसकी 1 से 3 आयत तक Thus when you give to the needy जब तुम जरूरतमंद को दो Sound no trumpet before you. तो अपने आगे तुरही ना बजवाना. Then he compares those who sound trumpet. तब वो उनकी तुलना करता है उन लोगों के लिए जो तुरही बजाते हैं. As the hypocrites do. जैसे कपटी लोग करते हैं. In the synagogues. Synagogue में. And in the streets. और सभाओं में और गलियों में. And what is their purpose? और उनकी उनका करने का ये That they may be praised by others. Truly I say unto you, they have received their reward. Who? Those who sound trumpets and who pray, who want praise from others. जो जोर से कपटी बनकर दूसरों के सामने बोलना चाहते हैं ताकि उनको तारीफ मिले This is the reward they are looking for. और ये तो प्रतिफल वो चाहते हैं They have received it. वो तो उनको मिल गया And they won't receive anything more. और उनको उससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा But when you give to the needy, पर जब तुम जरूरतमंद को दो Do not let your left hand know from your right hand what the left hand is doing. तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए Do not let your left hand know what your right hand is doing. और अपने बाएं हाथ को पता नहीं लगने दो जो आपका दाहिना हाथ कर रहा है Now what I notice in this is अब मैं इसमें क्या देखता हूँ Jesus says यीशु ने कहा When you give जब तुम दान करो What does it say about his thinking about his disciples. तो प्रभु यीशु मसीह तो हमको इससे क्या सीख मिलती है कि प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं अपने शिष्यों के लिए? Jesus assumes प्रभु यीशु मसीह इस बात को मानते हैं that his disciples will definitely give. और प्रभु यीशु मसीह ये जानते हैं कि उसके शिष्य जरूर देंगे. He expects them to give. वो अपेक्षा करते हैं कि उनके चेले उनको देंगे. He expects his followers to really follow him. और प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि जो उसके शिष्य हैं, वो वास्तव में उसके पीछे चलें। All his life, पूरे अपने जीवन में, Jesus was giving. प्रभु यीशु मसीह दे रहे हैं। And ultimately, he gave the perfect sacrifice, the ultimate sacrifice of his own life to the people. और अंत में उसने अपने स्वयं का जीवन, अपना पूरा जान लोगों के लिए दे दी उनके पास। So he is not saying. Okay, if you guys decide to give one day because of the mood that you are in, or okay, you guys get some kind of a windfall from somewhere, you get some money from somewhere, and then you want, if you want to give, no, my dear friends, he says, when you give, He assumes that you and I would be people
giving. तो प्रभु यीशु मसीह इस बात को मानते हैं और वो अपेक्षा करते हैं कि हम जो उसके चेले हैं हम देंगे. That the followers of Jesus Christ will always be in a gesture of giving rather than asking. और जो प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं उसके पीछे चलने वाले हैं वो हमेशा देने वाले बनेंगे बजाय मांगने के. From these two verses that we read from 1 Corinthians chapter 16 and Matthew chapter 6. और अभी जो दो आयतें हमने पढ़ी हैं पहला कुरिन्थियों से और मत्ती से. There are three principles that come from these two verses that we learned this morning. और अभी हमने जो दो वचन पढ़े हैं पहला कुरिन्थियों से और मत्ती 6 से उसमें तीन सिद्धांत हैं जो हम देखेंगे. Number one. पहली बात है. God wants us to be regular and planned in our giving. प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम निश्चित तरीके से और रेगुलर तरीके से अपने आप को तैयार करें दान करने And के लिए. Secondly, दूसरी बात, our giving should be in proportion to our incomes. और जो हमारा दान देना है वो हमारी जो भी इनकम है उसके साथ होना चाहिए. And when we give, और जब हम दें, small or big, छोटा या बड़ा. Thirdly, तीसरी बात, sound no trumpet. किसी प्रकार से दूसरों को सुनाने के लिए नहीं, तुरी बजा के नहीं. Do not look for the praises of men. तो आप दूसरों की तारीफ सुनने के लिए ना करें. Let's look into this first one. आइए पहले वाले सिद्धांत में हम देखें. The first biblical principle. जो पहला बाइबल का सिद्धांत है. That is, giving should be a regular thing and it should be a planned thing for the followers of Jesus Christ. जो प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं उसके पीछे चलते हैं उनको उनके लिए जो दान देना है वो नियमित होना चाहिए और काफी प्लान के साथ होना चाहिए. Keep your finger on 1 Corinthians chapter 16 and verse 1 and 2. और अपनी उंगली को आप लगातार इसमें बनाए रखें. पहला कुरिन्थियों उसके 16 अध्याय की पहली और दूसरी आयत. Verse 2 says. दूसरी आयत. It should be on the first day of every week. और उसमें लिखा है सप्ताह के पहले दिन. Each of you is to put aside something. And store it up as he may prosper, so that the contribution need not be made when I come. तुम में से सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा करे कि मेरे आने पर चंदा ना करना पड़े. See, it's not irregular. और ये तो हम देखते हैं ये अनियमित नहीं है. But it is to be a regular habit of the followers of Jesus Christ. परंतु ये प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वालों के लिए एक नियमित बात होनी चाहिए. Not now and then. और ऐसा नहीं कि अभी या फिर बाद में. Not depending on our mood. और हमारे हमारा कैसा मूड है उस पे भी हम ना वो करें. Not when we have a plenty. और ऐसा भी नहीं कि हमारे पास बहुत कुछ होगा. But it should be a regular habit, and Paul says, lays down a principle every week on the Lord's day. Take out something that God has blessed you with and put it aside for the Lord's work. लेकिन परमेश्वर के काम के लिए पौलुस प्रेरित कहते हैं सिद्धांत के द्वारा कि हमारा देना नियमित और पूरी तरह से प्लान किया होना चाहिए. And why does he lay down this on the Lord's day? और ये परमेश्वर के दिन के लिए सप्ताह के पहले दिन के लिए क्यों बोलते हैं? And why does Paul wants us to be make it a regular habit? और पौलुस क्यों चाहते हैं कि हम इसको एक लगातार नियमित आदत बना लें? Because he doesn't want. क्योंकि वो नहीं चाहते. That the disciples of Jesus Christ. कि जो चेले हैं प्रभु यीशु मसीह. Should only respond to emotional appeals. कि वो केवल जो भावनाओं में आकर देने की बात आती है केवल उसके लिए जरूरत ना दिखाए. Whenever we present a need, कभी भी हम जब जरूरत को बताते हैं. And the needs are to be presented. Don't misunderstand me. और जरूरी है कि जो जरूरतें हैं उनको बताया जाए. And we need to respond to those needs. और उन जरूरतों के लिए जो हमको जवाब देना है. But my dear friends, we sometimes have fallen into that trap so much. That none of these make sense if we make regular contributions and put aside for the Lord what He wants from us from our regular incomes. So, आजकल ये इस बात के लिए बड़ा एक trap बन गया है कि जब तक मांगा ना जाए खास तौर से किसी जरूरत के लिए तब तक लोग अपने को नियमित रूप से देना नहीं चाहते. I like what Larry Lewis Berry Schaffer said. और जो लैरी लुईस बेरी शाफर ने बोला, Too many of our churches हमारे बहुत सारे कलीसियाएं have been trained to respond only to the incessant human appeals.
और जो बहुत सी कलीसियाँ हैं वो इसीलिए ट्रेन करी गई हैं कि जो कोई ज़रूरत बताता है उनको जवाब दे. एंड दिस और ये That is emotional appeals. और जैसे एक भावनाओं की एक निवेदन है. Like medicine, like some medicine, किसी दवाई की तरह. Requires an ever increasing dose. उसके लिए जरूरत होती है कि बार-बार वो जो डोज है उसको बढ़ाया जाए. To produce the desired effect. ताकि जो उसका प्रभाव है, जो उसको मिलना चाहिए वो मिले. Friends, that's not what God wants for His church. मेरे मित्रों ऐसा नहीं है जो परमेश्वर अपनी कलीसिया से चाहता है. That's not what Jesus meant when He says, "When you give." और इसका मतलब ये भी नहीं है जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब तुम दान करो. That's not what Paul means when he says, "Set aside every week, every one of you, something for the Lord." और पौलुस प्रेरित का भी ये मतलब नहीं था जब वो कहता है कि कुछ हिस्सा अलग निकाल कर रखो. Don't wait for those emotional appeals. और आप उन भावनात्मक जो जरूरतें हैं उसकी अपील के लिए, उसके निवेदन के लिए ना रुकें. Otherwise we become addicted only to them. नहीं तो हमारी आदत केवल उनके प्रति बन जाएगी. Rather than it becoming an inward thing from our spiritual devotion to the Lord. बजाय इसके कि जो हमारा आत्मिक भक्ति है परमेश्वर के प्रति उसका एक हिस्सा हो. It is giving is our part of our worship. और जो देना है, दान करना है, वो हमारी आराधना का एक हिस्सा है. We come on the Lord's day to worship God. हम परमेश्वर के इस दिन में आते हैं ताकि हम उसकी आराधना करें. As part of our worship and thanksgiving to God. और हमारी आराधना और धन्यवादी जो हम परमेश्वर को चढ़ाते हैं. Giving should be a part of it, and we say, "Hey Lord, we thank you." And thank you for giving us all that we enjoy. And here, out of my thanksgiving, without an emotional appeal, I bring to you and lay down at your altar as my thanksgiving. तो हम परमेश्वर के नजदीक आते हैं और अपने जीवन के साथ अपनी भेंट को एक धन्यवादी के रूप में कि परमेश्वर तूने मुझे सब कुछ प्रदान किया, तू इसको स्वीकार कर. Friends, giving is our opportunity every Lord's day to offer Him. An expression of our worship to Him financially. और मेरे मित्रों हमारा जो देना है वो एक अवसर है हर एक परमेश्वर के प्रभु के दिन के लिए जब हम आराधना करते हैं कि हम अपने धन के द्वारा परमेश्वर तेरी आराधना करते हैं. In Deuteronomy chapter 16 and verses 16 to 17. हम वचन में देखेंगे पुराने नियम में व्यवस्था विवरण में उसके 16 अध्याय और उसकी 16 और 17 आयत में. These were the instructions that Moses gave to the people of Israel. और ये आदेश है ये जो मूसा ने इसराइल के लोगों को दिए. 3 times a year. तीन बार साल में. All your males shall appear before the Lord your God. तुम्हारे सामने जितने मेल हैं उनको परमेश्वर के सामने लाया जाए. And at the place that He will choose. They will come and gather at a place where God will choose. और वे ऐसी जगह इकट्ठा होंगे जो परमेश्वर ने चुनी है. And then He gives what are these times? और वो समय बताते हैं कौन सा समय है. At the festival of the unleavened bread, and at the festival of weeks, and at the festival of booths. 13 आयत में लिखा जब अपने खलिहान और दाखमधु के कुंड में से सब कुछ इकट्ठा कर चुके तब झोपड़ियों नाम पर्व 7 दिन मानते रहना. And they shall not appear before the Lord empty-handed. और कोई परमेश्वर के सामने छूछे हाथ ना आए. There was a regular command to come before the Lord. और एक नियमित आदेश था परमेश्वर के निकट आने के लिए. And these were the festivals or the times that God has given them that they were to come before the Lord. और ये समय था वर्ष में 3 बार जब वो परमेश्वर के निकट आते थे. And they were categorically instructed. और उनको बड़े स्पष्ट रीति से आदेश दिया गया था. You shall not appear before the Lord empty-handed. और वचन में लिखा है देखो छूछे हाथ यहोवा के सामने कोई ना जाए. That means bring something for the Lord. इसका मतलब है परमेश्वर के लिए कुछ भेंट लाना है. Whether it is the festival of booths. चाहे वो सप्ताहों का पर्व हो, झोपड़ियों का पर्व हो. Yeah, whether it is the festival of weeks or the festival of the unleavened bread, any time, and they were divided into 3 different parts of the seasons and 3 different parts of the year. और ये साल में 3 बार
तीन पर्व होते थे, अखमीरी रोटी का पर्व, सप्ताहों का पर्व और झोपड़ियों का पर्व. And everyone was verse 17 says. और 17वीं आयत कहती है. And all shall give. और सब को देना है. How many? कितना? How many shall give? किसको देना है? Who all shall give? कौन-कौन देगा? What does all include? और सबका मतलब क्या है? What does all exclude? और सब में से कौन छूट सकता है? No कोई way. भी नहीं. This is what Paul was talking about. यही है जो पॉलस दोहरा रहे हैं नहीं हमें. Each one of you. तुम में से हर एक जन. In the Old Testament, all shall give as they are able. और वचन में लिखा है सब पुरुष अपनी अपनी पूंजी और उस आशीष के अनुसार जो तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझको दी हो. According to the blessing of the Lord your God that He has given you. और उस आशीष के अनुसार जो तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझको दी हो दिया करें. Not according to the blessing that you had 40 years ago. उस आशीष के द्वारा नहीं जो तुम्हारे पास 40 साल पहले थी. When poor immigrants came to Canada and the US. जब पुराने दूसरे देशों के लोग इस देश में. Some of them literally have amazing stories of how. और बहुत से लोगों के पास बड़े आश्चर्यचकित अचंभित करने वाली बातें हैं बताने के लिए. They had only 10 bucks or 20 dollars in their pockets. वो कहते हैं उनके पास केवल 10 या 20 रुपए थे. But the Lord prospered them. लेकिन परमेश्वर ने उन्हें आशीषित किया. Today after 30 years, 40 years. और आज 30 और 40 साल के बाद. The Lord has blessed them with businesses. परमेश्वर ने उन्हें व्यवसाय दिए. The Lord has blessed them with amazing, wonderful, magnificent houses and cars and jobs. परमेश्वर ने बहुत सुंदर घरों के द्वारा नौकरियों के द्वारा और कारों के द्वारा उनको आशीषित किया. The Lord has blessed them with children. परमेश्वर ने उन्हें बच्चों के द्वारा आशीषित किया. The Lord has blessed us with amazing education. और परमेश्वर ने बहुत सुंदर एजुकेशन के द्वारा हमें आशीषित किया. The Lord has blessed us with amazing healthcare system. और परमेश्वर ने हमें बहुत सुंदर हेल्थकेयर सिस्टम से आशीषित किया. The Lord has blessed us with beautiful nature and creation and pure drinking water and what not. और इस देश में परमेश्वर ने हमें बहुत सुंदर परमेश्वर के सृष्टि के बीच में रखा है. The Lord says count your blessings. परमेश्वर कहता है अपने आशीषों को गिनो. And name them one by one. उनको एक-एक करके गिनो. And when you come to the Lord. और जब तुम परमेश्वर के पास आओ. Then forget about all those blessings. तब तुम भूल जाओ. Forget about all that God has blessed you with. सब भूल जाओ जो परमेश्वर ने तुम्हें आशीषित किया है. And give only what you gave when you had only $20 in your pocket. और वही दो जो तुमने कई साल पहले दिया, शायद $20. Or maybe just a little bit of increase, 10% increase of, maybe 100% increase of that, you think, great. और थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए तो? No, my dear friends. ऐसा नहीं है मित्र. The principle is. सिद्धांत ये है. Deuteronomy chapter 16. व्यवस्था विवरण 16. And 1 Corinthians chapter 16. और पहला कुरिन्थियों 16 अध्याय. As per the Lord has prospered you. वचन कहता है जैसे परमेश्वर ने तुम्हें आगे बढ़ाया है. इफ यू हैव लिटिल. यदि तुम्हारे पास थोड़ा है. गिव लिटिल. तो थोड़ा दो. इफ यू हैव मच. यदि तुम्हारे पास ज्यादा है. इंक्रीज योर गिविंग अकॉर्डिंग टू दैट. तो अपना देना भी उसके अनुसार बढ़ाओ. एंड इट शुड बी सिस्टमैटिक. और बड़े कायदे अनुसार होना. नॉट व्हेन समबडी कम्स फ्रॉम अफ्रीका. और तब नहीं जब कोई अफ्रीका से आ जाए. नॉट समबडी कम्स फ्रॉम इंडिया. या फिर कोई इंडिया से आ जाए. एंड मेक्स एन अमेजिंग अपील, इमोशनल अपील टू यू एंड मी. और बड़ी भावनाओं में बहकर वो एक विनती आपके सामने. एंड टॉक्स अबाउट द नीड ऑफ अ चर्च और एन ऑर्फेनेज. या वो किसी कलीसिया या किसी अनाथ आश्रम के बारे में बात. एंड वी राइट अ गुड चेक टू देम. और हम उनको एक बहुत बड़ा चेक लिख देते हैं. एंड देन वी फॉरगेट अबाउट इट. और फिर हम भूल जाते हैं. एंड we don't worry about what the Lord requires every week from us, every month from us. और तब ये भी चिंता नहीं करते कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है हर हफ्ते, हर महीने. No, my dear friends, the first principle in the Bible is to give systematically to the Lord's work. ऐसा नहीं मित्रों, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें वचन में सिखाता है कि हमें नियमित रूप से कायदे अनुसार परमेश्वर के कार्य के लिए देना है. According to our incomes, according to the prosperity God has given us. उसके अनुसार जो परमेश्वर ने हमें प्रदान किया है.
Secondly, दूसरी बात, the biblical principle is, दूसरा जो बाइबल का सिद्धांत है, we need to give proportionately, as I already talked about that, कि हमें उसके अनुसार देना है जो हमारे पास है, according to the portion that God has given us, उसके अनुसार जो परमेश्वर ने हमें दिया, our giving should be proportionate to that, हमारा जो देना है परमेश्वर की आशीष के अनुसार. First Corinthians, फिर हम जाए वचन में, chapter 16, पहला कुरिन्थियों 16, and verse 1 and 2, उसका 16 अध्याय और एक और दो आयत में, what does Paul say? पौलुस प्रेरित क्या कहते हैं? Now on the first day of every week, सप्ताह के पहले दिन, each of you to put aside, तुम में से हर एक जन, and store it up, अपने आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़े, according to the need that I presented to you, उस जरूरत के लिए जो मैंने तुम्हें दी है. राइट, कैसा कहा? वर्स 2, कैसा कहा वचन 2 में? नहीं, गिव ईच वन ऑफ यू एवरी वीक अकॉर्डिंग टू द नीड प्रेजेंटेड टू यू. कैसा कहा गया वचन में कि हर एक हफ्ता दो उसके अनुसार जो जरूरत तुमको बताई गई. इज दैट व्हाट द बाइबल सेज? व्हाट डज इट से? क्या वचन ऐसा कहता है? क्या कहता है? एज As he may, yeah, not according to the need. जरूरत के मुताबिक नहीं. Not proportionate to the need. और उस जरूरत के अनुसार भी नहीं. No, it should be proportionate to your prosperity, to your income, to how much God has blessed you with. पर ये उसके अनुसार होना चाहिए कि परमेश्वर ने तुम्हें कितनी आशीष दी. As the Lord prospers, not according to the need. जरूरत के मुताबिक नहीं, लेकिन जैसे परमेश्वर तुम्हें बढ़ाता है. My giving should not be in response to only the need. और मेरा जो देना है वो केवल उसके जवाब की तरह नहीं होना चाहिए जो जरूरत है. Yes, we need to know the need. हमें जरूरत मालूम है. And the needs must be communicated clearly. और जो जरूरत है वो साफ रीति से बताई जानी चाहिए. Apostle Paul himself communicated the need of the church in Jerusalem to different people and different churches. और पौलुस प्रेरित ने बड़ी स्पष्ट रीति से यरूशलेम की कलीसिया की जरूरत को लोगों को बताया. But he lays down a principle. और वो एक सिद्धांत बताते हैं. Don't collect the money only when I come to collect money for the church in Jerusalem. लेकिन तभी पैसा इकट्ठा ना करो जब मैं आता हूँ और तुमसे विनती करता हूँ. But each one of you, पर तुम में से हर एक, every week, हर एक हफ्ता, must set aside, उसको उस पैसे को अलग करे, not according to the need and the appeal letter that I have sent you, उस जरूरत के मुताबिक नहीं और उस निवेदन के पत्र के अनुसार नहीं जो मैंने भेजा, but according to what God has already prospered you, पर उसके अनुसार जिसके जैसे परमेश्वर ने तुम्हें आगे बढ़ाया, be there need or no need, चाहे वहाँ जरूरत हो चाहे ना हो, a believer in Jesus Christ, और जो हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, a follower of Jesus Christ, यीशु के चेले होने के नाते, must set aside something according to what God has blessed him or her. तो हमें वो पैसा अलग करना है जिसके जो हमको परमेश्वर ने आशीष दी है. And then Paul says, और तब पौलुस कहते हैं, actually there won't be any need for any collection when I come. पौलुस प्रेरित कहते हैं कि यदि आप नियमित रूप से देंगे तो उस समय जरूरत नहीं होगी जब मैं आपके बीच में होऊंगा. I did do not want to come and do an emotional meeting just for the collection of the money for the church in Jerusalem. पौलुस प्रेरित कहते हैं, मैं नहीं चाहता कि मैं आऊं और आपके सामने भावनाओं में बहकर एक अपील को करूं, एक विनती करूं कि आप पैसा इकट्ठा करें ताकि यरूशलेम की कलीसिया को दिया जाए. But do it regularly. पर नियमित रूप से दो. Store it up. अलग करो. Set it aside. किनारे करो. I don't want to come with an emotional whip and whip you all out of your wallets on that meeting. मैं नहीं चाहता हूं कि जब मैं आऊं तो मैं आपको एक तरह से कोड़े की तरह लगाकर आपसे पैसा मांगूं. If God allows you less, यदि आपको परमेश्वर कम देता है, give less. तो आप कम दो. If God allows you more, यदि परमेश्वर आपको ज्यादा देता है, increase the giving according to the proportion of your income. तो जैसा आपको परमेश्वर देता है आप उसके अनुसार अपने देने को बढ़ाएं. Not what you gave 30 years ago. वो ना दे जो आपने 30 साल पहले दिया. Not what you gave 20 years ago. वो भी नहीं जो आपने 20 साल पहले Not दिया. What you gave even last year. और वो भी नहीं जो आपने पिछले साल दिया. But today,
पर आज अकॉर्डिंग टू द प्रोपोर्शन ऑफ माय इनकम टुडे आई मस्ट सेट असाइड रेगुलरली समथिंग फॉर द लॉर्ड एंड दिस शुड नॉट बी इन रिस्पांस टू द नीड ओनली बट अकॉर्डिंग टू व्हाट गॉड हैज प्रॉस्पर्ड मी विद बट आज के अनुसार कि आज मुझे प्रभु ने आज तक कैसे आशीष दिया उसके अनुसार हमारा देना हो God judges us. परमेश्वर हमारा न्याय करता है. God looks upon the things in our lives. परमेश्वर हमारे जीवन में जो बारी बातें हैं उनको जानता है. As far as giving is concerned, जहां तक देना है, not just about the amount we give, ना केवल वो हिस्सा जो हम देते हैं, but also about the amount that we keep for ourselves. पर परमेश्वर उसको भी देखता है जो हम अपने लिए रख छोड़ते हैं. Remember, Jesus was one day sitting in the temple. आपको याद होगा प्रभु यीशु मसीह एक बार मंदिर में बैठे थे. And he was very close to sitting, watching the treasury. और वो बहुत ही करीबी से वो खजाने को देख रहे हैं। You would think, और आप सोच रहे होंगे, being Jesus Christ, the Son of God, और प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर के बेटे हैं, being a spiritual guru, और वो जो आध्यात्मिक गुरु हैं, what does he have to do with money? उसको क्या करना पैसे से? Why was he watching people giving? प्रभु यीशु मसीह लोगों को क्यों देख रहे हैं? But the Bible talks about, वचन हमें सिखाता है, Jesus was closely observing everybody who was coming and giving in the treasury of the temple. प्रभु यीशु मसीह बहुत ही करीबी से उन लोगों को देख रहे थे जो दान दे रहे थे परमेश्वर के खजाने में. And then he picks out one widow, और फिर वो एक विधवा को देखते हैं. And he says about that, और वो उसके बारे में कहते हैं, that she gave two mites, कि उसने दो दमड़ियां दी. Only the little amount, it's insignificant. और वो छोटा सा दान था जो किसी को मतलब भी नहीं रखता. Jesus picks her out. लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसको उसके बारे में बताते and हैं notices, और वो इस बात को देखते हैं, what she had left after giving 2 cents to the Lord. और वो ये देखते हैं कि उसने अपने 2 सिक्के देने के बाद अपने लिए क्या रख छोड़ा. Nothing. कुछ भी नहीं. And she makes her an example of giving to the Lord. और वो जो है एक उदाहरण बन जाती है प्रभु यीशु मसीह के लिए देने के लिए. What is left behind after giving? जो कुछ हमारे पास रह जाता है दान देने के बाद, we have already seen in the past weeks, हमने पिछले हफ्तों में पहले देख लिया, also belongs to the Lord. वो भी परमेश्वर का है. Everything belongs to the Lord. सब कुछ परमेश्वर का है. Not us. हम नहीं. There is this poem, I don't know who wrote it. ये एक कविता है, मुझे नहीं मालूम किसने लिखी. But it's very interesting and very teachable poem. और ये बहुत ही दिलचस्प है और इससे हमें बहुत शिक्षा मिलती है. 3,000 for my brand new car. 3,000 मेरी नई कार के लिए. I can tell you it must have been written ages ago because you can't even get a used car. और मैं सोचता हूँ ये काफी समय पहले लिखी हुई कि आजकल हमें यूज करी हुई कार भी इतने दाम में नहीं मिलेगी. Or maybe 30,000 rather should be better. और या फिर 30,000. 30,000 of my brand new car. और 30,000 मेरे नई कार के लिए. 5,000 for a piece of sod. और 5,000 sod के लिए. In the summer we spent that much money, yes. Probably. और हम गर्मियों में शायद इतना पैसा खर्च कर दें. 10,000 I paid to begin a house. और 10,000 मैंने दिया, खर्च किया घर शुरू करने के लिए. $1 give to the Lord I. $1 मैंने परमेश्वर को दे दिया. A tidy sum to entertain my friends in chatter. और एक काफी अच्छी बड़ी बड़ा पैसा मैंने अपने मनोरंजन के लिए अपने दोस्तों के साथ लगाया. To have friends over. ताकि मेरे दोस्त मेरे पास आएं. Or to go out in the dining to dine. या फिर बाहर जाएं उनके साथ खाने के लिए. And when the world goes crazy mad. और जब दुनिया पागलों की तरह घूमती है. I ask the Lord, what's the matter? तो मैं परमेश्वर से पूछता हूँ क्या हुआ? A dollar I gave to the Lord. और $1 मैंने परमेश्वर को दिया. Yet there is one big question. पर अब एक सवाल है. For the answer I still search. जिसका उत्तर मैं अभी भी ढूंढ रहा. With things so bad in this old world. और इस दुनिया में जो बुरी बातें चल रही हैं. What's holding back my church? मेरे कलीसिया को क्या क्या चीज रोक रही है? A dollar I gave to the Lord. एक डॉलर जो मैंने परमेश्वर को दिया. My dear friends, मेरे मित्रों, the third portion, the principle is, और जो तीसरा सिद्धांत है, and with that we will close, उसके साथ हम खत्म करेंगे. Sound no trumpet before you or in front of anybody when you and I give to the Lord for anything.
जब हम परमेश्वर के लिए देते हैं हम किसी प्रकार से लोगों के सामने उसका बखान ना करें ना तुरी बजाएं। Matthew chapter 6 that we read earlier. मत्ती 6 जो हमने पहले पढ़ा। This is what Jesus says. यीशु हमें ये सिखाते हैं। When you give to the needy, जब तुम जरूरतमंद को दो, sound no trumpet whatsoever. तो तुरी ना बजाना। Before you. अपने सामने। As the hypocrites do. जैसे कपटी लोग करते हैं। In the synagogues. और मंदिर में करते हैं। And in the streets. या वो सभाओं में। That they may be praised by others. ताकि लोग उनकी बढ़ाई करें। Truly I say to you. मैं तुमसे सच कहता हूँ। They have received their reward. वे अपना प्रतिफल पा चुके। But when you give to the needy. परंतु जब तुम दान करो। Do not let your left hand know what your right hand is doing. तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ न जानने पाए। Two figures of speech that Jesus uses in these verses. और दो बातों को यीशु इस्तेमाल करते हैं। Sounding a trumpet. तुरी बजाने के बारे में। That means proclaiming to others what you have done. इसका मतलब है दूसरों को बताना जो तुमने किया। It's a figure of speech. और ये केवल कहने का तरीका Not necessarily that the hypocrites and the Pharisees were literally blowing trumpets in the temple. और ये जरूर नहीं है कि जो फरीसी और सदूकी लोग थे वो किसी प्रकार से तुरी बजा रहे थे। Perhaps they did on the streets. हो सकता है उन्होंने सड़कों पे ऐसा किया। And I come from a culture. और मैं ऐसी संस्कृति से Where it is acceptable. और जहाँ इसको ठीक माना People put up tents on the street. लोग जो है सड़क पे टेंट लगा लेते। Praising God or goddesses. वो अपने देवी देवताओं की तारीफ करते। And then give to gods or goddesses. और तब वो दान करते हैं। Announcing on the loudspeaker for everyone to hear. और तब सब लोगों को loudspeaker पे वो बोलते हैं ताकि लोग सुने। Or if there is a beautiful building or a temple or a spiritual place being erected. या फिर कोई भवन या मंदिर बनाया जाता है। You can go and still read tablets, huge tablets with the names of the donors as per the amounts they had given. And of course, the top name goes to the top dollar that somebody has given for the construction of that building. और तब जब ऐसी इमारतें बनाई जाती हैं तो यह भवन बनाए जाते हैं तो उनकी दीवारों पर नाम खोद दिया जाता है और सबसे ऊपर जिसका नाम होता है वो सबसे जिसने सबसे ज्यादा पैसा Jesus lived in the same culture. प्रभु यीशु मसीह भी ऐसी ही संस्कृति And he says, when you, my disciples, give. और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जब तुम जो मेरे चेले हो देते हो. Not if you give. ऐसा नहीं कि जब तुम दो. But when you give. परंतु जब तुम दो. Assuming Christ's disciples will be giving. इस बात को मानते हुए कि प्रभु यीशु मसीह के अपने चेले देंगे. Keep it a secret. कि तुम उसको रहस्य रखना। Don't tell others about it. किसी को बताना मत। Don't let even your right hand know what is your left hand doing. तो अपने बाएं हाथ को भी ना पता लगने दो कि तुम्हारा दाहिना हाथ क्या कर रहा है। This is what Jesus wants from us as far as giving is concerned for the believers. और यही है प्रभु यीशु मसीह जो हमसे चाहता है क्योंकि हम उसके चेले हैं। Are we regular in our givings? क्या हम अपने देने में नियमित हैं? Today? आज? Are we giving proportionate to our incomes today? और आज क्या हम उसके अनुसार दे रहे हैं जैसा परमेश्वर ने हमें आशीषित किया? Or are we need to be manipulated by emotional appeals every now and then? या फिर हम बहाव में आकर यदि कोई हमसे भावना में आकर कोई निवेदन करता है हम तब देते हैं? Or do we give according to our incomes? या फिर हम देते हैं अपनी आमदनी के अनुसार परमेश्वर को दान देते हैं? And how about proclaiming it to others? और कैसा है कि हम दूसरों को बताते हैं? Sounding trumpets. तुरी बजाने के द्वारा. Telling others. दूसरों को बताने This is what I did. ये मैंने किया. To so and so. उसके लिए. This is what I did. ये मैंने किया. To that pastor. उस पादरी के साथ. To that church. उस कलीसिया के साथ. My dear friends. मेरे मित्रों. The Lord Jesus said, when you give. प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जब तुम दान करो. Sound no trumpet. तुरी ना बजाना. And do not let your left hand know what your right hand is doing. और ना अपने बाएं हाथ को पता लगने देना कि तुम्हारा दाहिना हाथ क्या करता है। Shall we close our eyes and pray that the Lord will bless us through this word? और आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें।